अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। आज पेज नंबर 75 की बुक रीडिंग करेंगे हम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे हम कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को कौन कौन से सियासी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हर लेक्चर में मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके ब्लॉग वर्ड्स ऑब्जेक्टिव हैं और हाइलाइटेड वर्ड्स डिक्टेशन वर्ड्स हैं, तो आज भी मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ, अच्छे से आपने इनको याद करना है, याद करके इसको लिखना है और फिर आपने ये घर में भी किसी को आप लोग चेक करवाएं और जब आपने स्कूल आना है तो ये काम आपने स्कूल में भी सबमिट करवाना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना है, जिसमें से हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली, वो भी पढ़ लिया और यकीनन आपने याद भी कर लिया होगा। सोशल प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस की, पिछले लेक्चर में हमने सोशल प्रॉब्लम्स जो माशरती मसाइल हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो उसके भी ये मसाइल थे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो सियासी मसाइल हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के या डेवलपिंग कंट्रीज के, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे कि किस तरह के सियासी मसाइल हैं इन ममालिक में, जिसकी वजह से उनकी तरक्की जो है वो रुक जाती है या उतनी स्पीड से नहीं हो पाती जितनी के होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैं पाकिस्तान को लेकर बात करूँगी कि हमारे पास जो सियासी सूरत हाल है वो अनस्टेबल है, आए दिन हमारी हुकूमतें बदलती रहती हैं, निज़ाम हुकूमत चेंज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पे स्पीडी गामजन नहीं हो पाता। ठीक है, अब जितने भी मसाइल हैं वो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, उसके अंदर रहते हुए हम इनको पढ़ेंगे, हमें बहुत ब्रॉडली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज के। द अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ दीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वो क्या बता रहे हैं हमें, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसको कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पेशगोई नहीं कर सकते जिसके बारे में कोई भी, वो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पर डेवलपिंग कंट्रीज के। जितने भी ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, मतलब सियासी जो हालात हैं उनके वो आए दिन बदलते रहते हैं, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या होने वाला है, उनको नहीं पता उनके मुल्क में क्या होने वाला है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी जो है वो मुस्तहकम बुनियादों पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर चेंजेस आती रहती हैं। फिर है लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी कमी है। अब वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज कंट्रीज। पॉलिटिकली जो ममालिक जो हैं सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम हैं, उसके अदम इस्तेहकाम की वजह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो नज़्म व नस्क का निज़ाम है वो अफेक्ट होता है एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स। और जब ये इंतज़ाम सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से मसाइल ही पैदा होंगे ना, फिर उसने मसले मसाइल पैदा कर दिए। अब यहाँ पे भी एक्सपर्ट्स जो हैं, आपको पता है किसी भी फील्ड में आप लोग चले जाएं तो वहाँ पे उस फील्ड के माहरीन ज़रूर होते हैं जो कि मसाइल का हल बताते हैं कि हम अगर इस तरह का कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। द एक्सपर्ट्स प्रेजेंट द फॉलोइंग रीजंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब जो माहरीन हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकली तौर पर, सियासी तौर पर इंस्टेबिलिटी की क्या वजूहात हैं, वो ममालिक क्यों इंस्टेबल हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, उसकी क्या रीजंस हैं।
अब उसकी रीजंस में सबसे पहले जो रीजन है वो अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब हमारा उनका जो डेवलपिंग कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी निज़ाम है, वो अनस्टेबल है, गैर मुस्तहकिम है, मतलब परमानेंट नहीं है, आए रोज बदलता रहता है। अब जैसे हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी हालात आए दिन बदल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं और जो पुराने प्लान स्टार्ट हुए होते हैं उनको रोक दिया जाता है या फिर उनका काम बहुत ही स्लो हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। द सेकंड पॉइंट है द अननेसेसरी इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अब जो गैर ममालिक हैं या बैरूनी ममालिक हैं उनकी गैर ज़रूरी किस्म की असरात हैं, इन्फ्लुएंस है किस चीज़ पर, ऑन द अफेयर्स ऑफ दीज कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है कि जो बाहर के ममालिक हैं, बैरूनी ममालिक हैं, वो हमारे इन कंट्रीज पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर इंक्लूडिंग पाकिस्तान अपना अननेसेसरी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, गैर ज़रूरी किस्म का जो है हाकमाना रवैया इन ममालिक के साथ रखा जाता है जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर थ्री है आपका हिंड्रेंस इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। हिंड्रेंस कहते हैं रुकावट को, ये आपका डिक्टेशन वर्ड है, ठीक है, हिंड्रेंस इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब इन ममालिक के जो निज़ाम हैं, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, सोशल सिस्टम हो गया और पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, उसके बढ़ने में या उसके स्टेबल होने में रुकावट आ जाती है। फिर पॉइंट नंबर फोर है आपका लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन गवर्नमेंटल पॉलिसीज। अब जो सरकारी सतह पर पॉलिसीज बनती हैं, सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उसमें एक तवातुर नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक गवर्नमेंट ने कोई प्लान आउट किया है, किसी प्लान पे वर्किंग स्टार्ट की है, तो इसी ड्यूरेशन में कोई हालात सियासी तौर पर ऐसे हुए कि वो हुकूमत टूट गई, तो फिर क्या होगा कि वो मंसूबा भी उस हुकूमत के साथ ही ख़त्म हो जाता है समटाइम, और समटाइम होता है कि वो मंसूबा चलता रहता है लेकिन उस पर उस तरह से वर्किंग नहीं हो रही होती जैसा कि उस गवर्नमेंट ने उस पर काम करने का सोचा होता है, ठीक है। अब इस तरह की वजूहात हैं जिसकी वजह से इन ममालिक में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आज की आपकी यही डायरी है, इसको आपने अच्छे से याद करने हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लैंक्स हैं और डिक्टेशन का एक ही वर्ड आया है इसमें आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, छोटी सी आपकी डायरी है, आपने इस काम के साथ साथ अपना पीछे वाला सारा रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने अच्छी तरह से इसको याद करके लिखना है और काम आपका इंशाल्लाह चेक होगा।